जेन फोन का मैं आज रिव्यू करूंगा। मॉडल नंबर है एडमायर SXY जेन फोन का है ये। जेन कंपनी जो अच्छी कंपनी है, जानी मानी, जिसका अमिताभ बच्चन पहले रिव्यू करते थे। ये अभी हमने मंगाया है गैजेट 360 NDTV एवेन्यू का है। गैजेट 360 सबसे सस्ता इसी पे मिलेगा ये आपको 1399 पे, 3199 रुपये में आपको ये पड़ेगा। हम अब मैं आपको इसको खोल के बताता हूँ, अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ मैं इस वीडियो। ये इसका रिटेल इनवॉइस है, इन्होंने साथ में भेजा है। शिपिंग बहुत फास्ट है, हमने 23 तारीख को ऑर्डर किया था, 24 को इनवॉइस जनरेट हुआ है और आज 26 मई को ये हमें डिलीवर भी हो गया है। 3199 रुपये में ये हमको मिला है, ये जेन कंपनी जेन एडमायर SXY। बहुत ही प्यारा पीस है, 1GB रैम है इसमें, 8GB इंटरनल स्टोरेज है, 5 मेगापिक्सल का बैक कैमरा है और 2 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। पैकिंग बहुत ही अच्छी है, शानदार पैकिंग कर रखी है NDTV वालों ने। देख सकते हैं आप, अच्छे से बॉक्स में पैक है। ये देखिए आप, सील पैक है फ़ोन पूरा, पूरी तरह से। ये इसमें लॉलीपॉप OS दिया गया है, 4.5 इंच की IPS स्क्रीन है जो कि बैटरी कम करेगी, कंज्यूम करेगी। 1GB रैम है, 8GB इंटरनल स्टोरेज है, 5MP का कैमरा है, 2MP का फ्रंट कैमरा है, 1.3GHz का क्वाड कोर प्रोसेसर है। प्रोसेसर बहुत अच्छा हैवी दिया गया है, 32GB आप एक्सपेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, मेमोरी को कोई इशू नहीं है। 3G है, वाईफाई कनेक्टिविटी है, ब्लूटूथ हेडसेट कनेक्टिविटी है, 1800 mAh की बैटरी है, ऑटो कॉल रिकॉर्ड है और सर्विस सेंटर के बारे में डिटेल दी गई है, 500 सर्विस सेंटर इंडिया में है इनके। अब मैं इसको खोल रहा हूँ सील को। ये अंदर हेडसेट निकला है, ये हमने ग्रे कलर का मंगाया था, ये ग्रे कलर का हमें मिला है, बिल्कुल एप्पल के जैसा दिखता है आपको। आपके लाइनिंग मिल जाएगी, स्पीकर नीचे बैक में दिए गए हैं, 3.mm जैक फ्रंट में दिया गया है। ये यहाँ पे इसका USB के चार है, वो चार्जिंग है, USB चार्जर। अब इसमें दो कलर अवेलेबल है, एक गोल्डन कलर है और एक सिल्वर, हमने ये वाला मंगाया था। दूसरे आपको कंटेंट बता देते हैं हम इसके। इसके साथ में आपको ये मिला है EMI का, ये रजिस्ट्रेशन वाला है, EMI नंबर इसमें दिए गए हैं। ये है इसका स्क्रीन गार्ड दिया गया है, इसके साथ में आपको एक प्रोटेक्टिव ग्लास है, अच्छा है। इसके साथ में आपको ये चार्जर, ये डेटा केबल है जिससे आप चार्जिंग भी कर सकते हैं, माइक्रो USB केबल। ये इसका चार्जर दिया गया है, इसकी हम स्पेसिफिकेशन बताएंगे कितने एम्पियर का है। ये है 1.5 एम्पियर, ठीक है, ज़्यादा अच्छा तो नहीं है, 2 एम्पियर का होता तो थोड़ा फास्ट हो जाता, पर ठीक है, डिसेंट है, फटाफट ही चार्ज हो जाएगा आपका मोबाइल, 1800 mAh ज़्यादा नहीं होता है। इसके साथ में हेडफोन भी दिए गए हैं, हाँ ठीक है। हेडफोन की क्वालिटी आप ज़्यादा बेस्ट तो नहीं कह सकते, पर जो अभी जो कंपनियाँ दे रही है गोल शेप के, जो कान में दर्द करते हैं, उससे तो थोड़ा बेटर ही है ये हेडफोन, जो आप कान में थोड़ी देर लगा के सुन सकते हैं। ज़्यादा आप यूँ नहीं सोचे कि ये बहुत अच्छे वाले हेडफोन है, पर ठीक है, यूजेबल है, आप थोड़ी देर मूवी इसमें देख सकते हैं इन हेडफोन में आप। ये इसमें बैटरी दी गई है जो हम अभी आप में इसमें लगाएंगे बाद में। इसकी बैटरी है 1800 mAh की, लियोन की बैटरी दी गई है। ये एक और ग्लास दिया गया, अच्छी बात है, दो दो ग्लास दिए इन्होंने दिया, स्क्रीन गार्ड दिया है, दो ग्लास स्क्रीन गार्ड, एक के दो स्क्रीन गार्ड। ये इनका वारंटी कार्ड है, वारंटी मैनुअल और दोनों है इसमें,
ये इसका एक बैक कवर दिया गया है, बहुत अच्छी बात है, इन्होंने इसके साथ में एक बैक कवर फ्री लोड दिया और बैक कवर की क्वालिटी भी बहुत, हाँ बहुत अच्छी है। ऐसी बात नहीं है कि भाई ये 50 रुपये वाला बैक कवर दे दिया आपको, आप मार्केट से खरीदेंगे इजीली 100 रुपीज़ का पड़ेगा ये बैक कवर आपको, जो इन्होंने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया गया है, जो कि इतने कम रेट में मिला है मोबाइल, और उसके साथ में आपको एक, हाँ एसेसरीज हो गए आपके, मतलब 100 रुपये का ये, 100 रुपये का 250-300 रुपये इसकी एसेसरीज आपको इसके साथ में मिल गई है। ये है इसके सिम स्लॉट है, यहाँ पे आप सिम लगेगी और यहाँ पे लगेगा आपका माइक्रो एसडी कार्ड, और ये बैटरी लगाने का स्लॉट है जिसमें आप ऐसे बैटरी को फिट कर सकते हैं। बस इसके आगे का हम कंप्लीट रिव्यू आप देखेंगे, इसका मैं आपका इसका आगे का कंप्लीट रिव्यू भी दूंगा, अभी तो मैं आपको जस्ट स्टार्ट करके बता रहा हूँ, उसके बाद इसका मैं आप कंप्लीट रिव्यू दूंगा जिसमें इसका गेमिंग हीटिंग इश्यूज़ और कैसा इसका परफॉर्मेंस है वो आपको मैं सब बताऊंगा अगले वाले रिव्यूज़ में, डांगी ब्रदर्स के रिव्यूज़ में हम आपको बताएंगे उसमें कंप्लीट रिव्यू इसका। अभी तो हम इसको जस्ट चालू कर रहे हैं, ये चालू हो रहा है, फ्रेम को निकाल देते हैं। स्क्रीन बहुत अच्छी है, प्यारी स्क्रीन है दिखने में भी, स्क्रीन ये कलर शेड नहीं जा रहा है, देख सकते हैं आप साइड से देख रहा हूँ मैं इसको, अच्छा है ये, अच्छी बात है। फ्रंट कैमरा वो लोड भी हो गया बहुत अच्छा, इजी वे में लोड हो गया। कैमरा क्वालिटीज़ में और बाकी की मैं क्वालिटीज़ आपको बाद में बताऊंगा, मैं इसका आपको रैम बता देता हूं। इसमें आपको एंड्रॉयड का वर्जन 5.1 मिल जाएगा, वो आप इसमें देख भी सकते हैं, वर्जन चेक कर सकते हैं, एंड्रॉयड 5.1 दिया गया है इसमें, ये 5.1 है, इसको आप इनेबल भी कर सकते हैं, ये एंड्रॉयड का वर्जन आ गया इसमें लॉलीपॉप। ठीक लग रहा है हमें ये फ़ोन अभी तो, इस रेट में इस रेंज में इससे अच्छा फ़ोन आपको नहीं मिल पाएगा, और बिल्कुल लुकिंग एप्पल के जैसी दी गई है इसकी, आप देख सकते हैं दूर से आपको लगेगा कि ये एप्पल का फ़ोन ही हो, आपके हाथ में खुद देखेगा तो आपको लगेगा कि एप्पल का फ़ोन है इसके बाद, और बटन भी बहुत शानदार दिए गए हैं, ओवरऑल बहुत अच्छा दिख रहा है दिखने में, और बाकी की हम इसका पूरा रिव्यू देंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप हमें सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल का नाम है डांगी ब्रदर्स रिव्यू। थैंक यू।